हमास इसराइल वॉर की वजह से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई G20 मीटिंग के दौरान इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए MOU साइन किया और हमास के इसराइल के ऊपर इस अटैक के बाद इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के सक्सेस के चांस काफी कम है, क्योंकि इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज करते हैं, जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की सक्सेस के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE ग्रुपिंग, जो इस रीजन में मिनी क्वाड के नाम से भी जानी जाती है, इस ग्रुपिंग के अंदर भी हमें दरार देखने को मिल सकती है और इस सिचुएशन से डेफिनेटली चाइना को इस रीजन में इंडिया और US के अगेंस्ट लेवरेज मिल सकती है और साथ ही कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को और तरीकों से इंपैक्ट कर सकता है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।